हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉट पर। और आज हम बात करते हैं कि ट्विटर पर अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करें, ब्लू टिक वेरिफिकेशन के साथ अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके अकाउंट पर ब्लू टिक लग जाए। तो बट ब्लू टिक लगाने के लिए आपके पास फैन फॉलोइंग अच्छी होनी चाहिए, आपको मीडिया कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे कुछ चीज़ें ज़रूर पूछी जाती है, किस किस न्यूज़ में आपकी न्यूज आई है, या फिर आपका विकिपीडिया है या नहीं है, या फिर किसी अदर सोशल मीडिया साइट पर आपकी क्या एक्टिविटीज है। ब्लू टिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस इजी है, बट नॉर्मल प्रोफाइल में ब्लू टिक वेरिफिकेशन इजीली नहीं मिलता। अगर आप कोई सेलिब्रिटी है या फिर पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट है या कोई ब्रांड है, तो आपको इजीली ब्लू टिक वेरिफिकेशन मिल जाता है। आइए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके ब्लू टिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप देख रहे हैं, जैसे टाइम्स नाउ का है, इसके सामने ब्लू टिक है, मिंट है, ब्लू टिक है, एबीपी लाइव है, हालांकि इतना फेमस है पर ब्लू टिक नहीं है, सोशलिस्ट स्वराज, द न्यूयॉर्क टाइम्स, मनोहर लाल, ANI, नरेंद्र मोदी, आनंद महिंद्रा। तो आप देख सकते हैं कि जो फेमस पर्सनैलिटी है, जो सेलिब्रिटीज है या कोई बड़ा बिजनेस है, तो उसके सामने इजीली आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। नॉर्मल प्रोफाइल को ब्लू टिक मिलने में बहुत टाइम लगता है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। बिना फैन फॉलोइंग के आपको ब्लू टिक इतने इजीली नहीं मिलेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट प्रोसेस बताऊंगा कि ब्लू टिक लेने का जो सबसे अच्छा बेस्ट प्रोसेस है वह क्या है। ये 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करें। यहाँ पर है योर अकाउंट, उसके सामने है योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आ गया यूजर नेम, फोन, ईमेल, और उसके बाद है यहाँ पर वेरीफाइड नो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर यस आ जाएगा और रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन हट जाएगा। अब रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ये पॉपअप बनकर आया है, अब ये ऑप्शन जो आया है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, वेरिफिकेशन इज नॉट फॉर नोटेबल पीपल और ग्रुप्स विद इन ए स्पेसिफिक कैटेगरी, इफ दैट साउंड लाइक्स यू स्टार्ट ए वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक में पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप क्या पॉलिसी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब स्टार्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें, फिर ऑप्शन है यहाँ पर कि सेलेक्ट ए कैटेगरी, यू विल नीड टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्विटर अकाउंट यू हैव। लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर एक पूरी डिटेल दी हुई है उसी लिंक की जो पहले था। अब एक्टिविज्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्टिविज्म के लिए कि आप एक्टिविस्ट है या ऑर्गेनाइजर है, जर्नलिस्ट है या प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन और एफिलिएट, आप जो भी कैटेगरी आपके लिए सुटेबल है उस प्रॉपर कैटेगरी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करो। फिर बिजनेस के लिए है तो बिजनेस के लिए क्या क्या है कि प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन और एफिलिएट, जर्नलिस्ट या सीनियर लीडर और एग्जीक्यूटिव। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ डिफरेंट है, हर कैटेगरी के लिए कुछ अलग अलग ऑप्शन आपके सामने आएंगे। जैसे यहाँ पर एंटरटेनमेंट कंपनी, कंटेंट क्रिएटर, इंडिविजुअल इन एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। गेमिंग के लिए अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडिविजुअल इन गेमिंग, जर्नलिस्ट, कंटेंट राइटर। गवर्नमेंट के लिए अलग है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कैंडिडेट फॉर ऑफिस है या गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक सर्विस। न्यूज के लिए फिर अलग है, सभी के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा और डिफरेंट है, इंडिविजुअल इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंटिटी, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर। अदर में है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल। तो मैं बिजनेस के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरा अपना बिजनेस है, तो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन और एफिलिएट, जर्नलिस्ट, सीनियर लीडर और एग्जीक्यूटिव, लीडर्स एंड प्रोमिनेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ नोटेबल कंपनीज, ब्रांड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यू मस्ट होल्ड ए सीनियर लीडरशिप पोजिशन एट वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन टू बी एलिजिबल फॉर द वेरिफिकेशन इन दिस कैटेगरी, एड योर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट टू कन्फर्म एलिजिबिलिटी। मुझे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ट्विटर हैंडल डालना है। अब मैं नेक्स्ट बैक करता हूँ
और अगर मैं एक्टिविज्म पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन और एफिलिएट स्टॉक एक्सचेंज रेफरेंस। सभी में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और अदर पर अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन इन दिस कैटेगरी। अब मुझे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ट्विटर हैंडल डालना है। आई हैव कंफर्म दैट माई ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट इज ऑलरेडी वेरीफाइड। मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं है बट मैं टिक करके कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मुझे प्रोसेस बताना है आप लोगों की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। सेलेक्ट नोट एबिलिटी मेथड, वेरीफाई न्यू रेफरेंसेज और लीडरशिप रेफरेंसेज, कंटिन्यू करें। और यहाँ पर न्यू वेरीफाइड रेफरेंसेज यहाँ पर दिए हुए हैं। इज योर ट्विटर अकाउंट रेफरेंस ऑन दिस वेबसाइट? यस इट इज। उसके बाद आपको यह सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपका जो योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, यू विल बी कॉन्टेक्टेड एज सून एज डिसीजन हैज मेड। दिस कुड टेक अप टू 14 डेज। ये 14 डेज में आपको रिप्लाई आएगा। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 1 मंथ के बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। और नॉर्मल प्रोफाइल में ये थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है या फिर एक सेलिब्रिटी है तो एक पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट है, आपको इजीली मिल जाएगा। जैसा कि आपने मेरे स्क्रीन पर देखा कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत इजी है। आप ये सब स्टेप फॉलो करके अपने प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।